हाय फ्रेंड्स, शादी की सक्सेस स्टोरी कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने एक डाली है और इन्होंने यस अरेंज मैरिज हुई है इनकी। इन्होंने अपना ट्रू सोलमेट अब जाके मैनिफेस्ट किया है, तो ये बहुत टाइम पहले से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। ये इनका डिवोर्स हुआ, ठीक है। डिवोर्स होने के बाद एक रिलेशनशिप तो नहीं कह सकते, पर हाँ, किसी के साथ इन्हें लगा कि हो सकता है मे बी ये अब सही हो, इसके साथ हो, पर उसके साथ भी शादी नहीं हुई, ठीक है। फिर इन्होंने सब कुछ सरेंडर किया यूनिवर्स को, पूरे पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ को आगे देखा, अफर्मेशंस दी, विजुअलाइजेशन किया, जो कभी कभी हमें खुद भी पता नहीं चलता और हमें लगता है हमने कोई टेक्निक नहीं की, लेकिन आप जाने अनजाने में टेक्निक्स कर ही रहे होते हैं। तो इन्होंने यस विजुअलाइज किया होगा अपने लिए, काफ़ी सारा यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखा, यूनिवर्स से साइन मांगे, काफ़ी कुछ मांगा कि अब जो रिश्ता आप मेरे को लाओगे मैं वो स्वीकार कर लूँगी और उसी से शादी कर लूँगी। तो वो डिवोर्सी होने के बावजूद इनको बहुत अच्छा रिश्ता मिला, मतलब अगर मैं बोलूँ कि रिश्ता भी नहीं बोल सकते अभी। यहाँ पे सिंपल इतनी सी बात है कि ये इनका ट्रू सोलमेट है, ओके। मतलब बाकी सारे जो रिलेशनशिप्स आए गए वो सिर्फ कार्मिक रिलेशनशिप थे, ऑलराइट, जिसकी वजह से कुछ सीखना होता है या फिर कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ऐसे रिश्ते हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं जो कुछ महीने कुछ साल टिकते हैं, उसके बाद हमें दुख तकलीफ़ देके ही गुजरते हैं, राइट। बट वो सब ख़त्म हो जाता है एक फेज़ पे, वो ख़त्म हो जाता है, और वो जब ख़त्म हो जाता है तो एक्चुअल में जो कर्मा था ना वो वहीं पे ख़त्म भी हो गया। वही इनके साथ हुआ, जब इनका कार्मिक अकाउंट पूरा ख़त्म होता चला गया, जितनी चीज़ें झेलनी थी वो सब झेल गए, उसके बाद आया वो राजकुमार जिसका इंतज़ार हर किसी को रहता है अपनी लाइफ में कि ऐसा लाइफ पार्टनर हो, और वही इनको मिला। उनके साथ शादी हो गई, अरेंज मैरिज हो गई। बड़ी बात सबसे ज़्यादा अगर ये मैं बोलूं, सी अगर कोई डिवोर्स है तो हमारा जो जो समाज है ना, जो सोसाइटी है, उसमें क्या होता है कि अगर डिवोर्स्ड है तो डिवोर्स की शादी भी डिवोर्सी से ही होगी, राइट, इस तरह का कुछ रहता है, ठीक है। बट नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है, इनको अनमैरिड ही इनके पार्टनर मिले और उन्होंने बहुत दिल से, खुले दिल से इनको अपना भी लिया, शादी हो गई, बहुत खुश हैं अपने पार्टनर के साथ। बल्कि इन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने में भी कोई जल्दीबाजी नहीं की। एक होता है ना, हम डर जाते हैं बार बार रिलेशनशिप्स, एक बार दो बार अगर रिलेशनशिप नहीं टिका है ना तो एक डर आ जाता है मन में, तो हम थोड़ा ऐसा सोचते हैं कि अभी नहीं बताना किसी को, पहले सब सही चल ले। तो एक महीने अच्छे से शादी स्पेंड कर ली है इन्होंने, सब कुछ सही है। खुद इन्होंने लिखा है कि इनके पार्टनर इनका बहुत ख्याल रख रहे हैं, बहुत अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ है इनकी एक महीने में, राइट। तब जाके इन्होंने अपनी शादी की पिक्चर्स हमसे शेयर किए, जो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। सक्सेस स्टोरी भी यहाँ पे है, आप वो भी पढ़ सकते हो। मैं पूरा पढ़ के नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं कुछ चीज़ें बताने जा रही हूँ जो आप लोगों को हेल्प करेंगी, इसलिए, राइट। अच्छा, ये तो था कि इन्होंने शादी मैनिफेस्ट कर ली, इससे भी बड़ी इनकी जो सक्सेस है वो मैं बता दूँ, बहुत हैरान करने वाली है। कि जब, वही बात है ना, जब वो कहते हैं ना, जब ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब यूनिवर्स देगा तो सोचो क्या होगा, राइट। इसीलिए कहती हूँ ना कि प्लीज़ सरेंडर करो, एक ऐसा मोमेंट लेके आओ अपनी लाइफ में जब आपको लगे कि बस हो गया, अब हमें अपने टेक्निक्स, अपने विशेस को सीधा यूनिवर्स को सरेंडर करना है, ओके। और सरेंडर भी उस भाव से कि अब आपके हाथ में है, आपको ये लगे कि ये मेरे लिए परफेक्ट है, अच्छा है, तो आप ब्लेस करो, नहीं तो जो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। एक बार उसकी रज़ा, उसकी मर्ज़ी पे छोड़ के तो देखो, फिर देखना क्या मिराकल्स होते हैं, राइट। इन्होंने जब कम्प्लीटली यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया था कि आप जिसको भी भेजोगे मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगी, अब जो आपकी तरफ से आएगा, पार्टनर तो अच्छा मिला ही, बिल्कुल सपनों का राजा मिला ही, उसके साथ एक महीने स्पेंड भी किया, पूरा अच्छे से श्योर हो गए कि हाँ, हैप्पी मैरिड लाइफ है। उसके बाद इनकी इच्छा थी कि मैं जल्दी से कंसीव भी कर लूँ, तो एक महीने के बाद ही इन्होंने, इनके पीरियड्स मिस हो गए, इन्होंने चेक किया, चेक करने के बाद पॉजिटिव रिजल्ट नहीं था, ओके। बट क्योंकि मन में आशा थी कि मुझे जितनी जल्दी हो सके कंसीव करना है बेबी के लिए, इनको बेबी भी चाहिए था। नेक्स्ट डे इन्होंने मिरर के सामने खड़े होके गॉडेस लिलिथ से प्रेयर किया, और उसके बाद दोबारा चेक किया, एंड देयर मिरेकल्स, देयर इज समथिंग जिसको हम कहते हैं कि मिरेकल हो गया ना, मिरेकल हैपन्स, वो हुआ, ओके, एंड पॉजिटिव रिजल्ट आया। सो शादी के साथ इतना अच्छा पति, सोलमेट,
और एक महीने में ही एक नया मेहमान, कंप्लीट मैनिफेस्टेशन, कंप्लीट लाइफ, कंप्लीट। ऑलराइट, मतलब इससे बड़ी मैनिफेस्टेशन और क्या होगी, राइट? और वो भी इतने अच्छे से। तो मैं बार बार वही कह रही हूँ कि जब यूनिवर्स ब्लेस करता है ना, तो ऐसे ही करता है। एक बार आप लोग भी प्लीज़ सरेंडर करो अपने अपने विशेस को, राइट? और ऐसा नहीं है कि अभी हमने बस यूनिवर्स के बारे में सुना ही और डे वन को ही सरेंडर कर दिया। नहीं नहीं, आपको कुछ तो करना पड़ेगा, अपनी वाइब्स को रेज करना पड़ेगा, अपने इंटेंशंस को यूनिवर्स में भेजना होगा, पॉजिटिव रहना होगा, ट्रस्ट करना होगा, फेथ रखना होगा, नेगेटिव थॉट की कोई गुंजाइश नहीं रखनी होगी, डेस्परेशन बिल्कुल भी नहीं। क्यों होना डेस्परेट? जो होगा अच्छा होगा। एक बार उसकी मर्जी पे सरेंडर करके देखो, ठीक है? आप, हमें चाहिए होती है चीज़ें, हमारी जो विशेस होती है ना, बड़ी पर्टिकुलर होती हैं, हमें ऐसे ही चाहिए, इससे ना कम चाहिए ना इससे ज़्यादा चाहिए। ये जो रिलेशनशिप में होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं नहीं बिल्कुल यही इंसान चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। सरेंडर करो बस कम्प्लीटली। देर इज़ समथिंग विच इज़, आई वुड से कि बहुत अबंडेंटली यूनिवर्स में आपके लिए है, सो जस्ट बी रेडी फॉर दैट, ठीक है? एंड इस तरह से चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। आप लोग अपने लिए हमेशा अच्छा सोचो, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट लाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आता है तो, क्योंकि इंसान है, आएगा। कभी कभी हम कंट्रोल नहीं कर पाते इमोशंस पे, अपने फीलिंग्स पे, या फिर चलो अपने इमोशन अपने फीलिंग पे कंट्रोल कर भी लें, लेकिन हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको कहाँ से कंट्रोल करेंगे? वो लोग कभी कभी हमें इफ़ेक्ट कर जाते हैं। उस टाइम पे क्या करोगे आप? मेडिटेट करो, इतने सारे मंत्रास हैं वो करो, बहुत सारे रिचुअल्स हैं, उनमें से कोई एक सेलेक्ट करके करो जिससे कनेक्टेड फील कर पाते हो आप लोग, ओके? बट यस, मैनिफेस्टेशन इस तरह से है और काफ़ी पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। इतनी सारी सक्सेस स्टोरी है ना कि मैं अगर सुनाने बैठूँ तो कौन कौन सी सुनाऊँ, क्या क्या सुनाऊँ, राइट? अच्छा, अभी जो हनी रिचुअल मैंने डाला था गॉडेस लेलिथ का, जो कि अपने फेस के लिए था, स्किन के लिए था, मनी के लिए था, मनी के लिए मैं बोल रही हूँ कि प्लीज़, जिन लोगों को भी जिन लोगों ने भी न्यू मून पे नहीं किया ना, वो प्लीज़ कभी भी करो, लेकिन कर लो एक बार गॉडेस हेकाटे का ना हनी वाला रिचुअल जो मनी के लिए था। तो हनी के लिए मनी वाला रिचुअल प्लीज़ कर लो, ताकि आप लोगों के पास जो मनी का फ्लो है, ये हम सबके पास, राइट, मनी का फ्लो हमेशा रहना चाहिए, ठीक है ना? तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और ये इनकी सक्सेस स्टोरी जो है, जिनकी शादी आप देख रहे हो, जिनके पिक्चर्स आप देख रहे हो, मतलब एक फेरी टेल जैसा, तो इन्होंने काफ़ी कुछ सहा है अपनी लाइफ में, लेकिन हार नहीं मानी है। तो इस चीज़ से आप लोग भी सीखो। आप लोग थोड़े थोड़े चीज़ों में ही इतने ज़्यादा पैनिक कर जाते हो, कॉल नहीं आई है तो पैनिक कर गए, कुछ और बातें हो गए तो पैनिक कर गए। पॉजिटिव रहो, हौसला रखो, हिम्मत रखो, विश्वास रखो, विश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। यूनिवर्स को सरेंडर कर दो, जब आपका बस नहीं चल रहा चीज़ों पर, तो सरेंडर कर दो, छोड़ दो उनके हाथों में। अच्छा बुरा जैसा भी होगा आपके फेवर में होगा, ये ध्यान रखना, ओके? सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।